राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों किरोड़ी लाल मीणा के भाजपा में वापस आने के बाद अब कांग्रेस में भी दो पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने दोनों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। राजधानी में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर दो पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भादरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सुरेश चौधरी और गंगापुर से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद अग्रवाल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने दोनों पूर्व विधायकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दोनों के साथ कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पायलट ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक वर्ग और आम आदमी भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है, इसलिए प्रदेश के लोगों का मन कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और सत्ता में आएगी। राजस्थान के दो पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश जी और अग्रवाल साहब आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सहर्ष इन दोनों पूर्व विधायकों का स्वागत करता हूँ। इनके साथ जो पार्षद, पूर्व पार्षद, जनप्रतिनिधि आदि आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उससे निसंदेह कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। आने वाला समय आम व्यक्ति का है, किसान का है, नौजवान का है और कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, इस बात को सब लोग समझते हैं। और भाजपा ने जो धोखा दिया, जनता को त्रस्त किया, आज पूरी तरह वो बेनकाब हो चुके हैं। ये सच्चाई भी अब छिपी नहीं है। आज इन दोनों पूर्व विधायकों के शामिल होने से मुझे बड़ी खुशी है और मुझे लगता है कि हमारा कुणबा परिवार और बढ़ेगा। जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, सब लोग इस बात को संज्ञान में रहेंगे कि भविष्य कांग्रेस के साथ है, इसलिए कांग्रेस के साथ बिना शर्त निस्वार्थ भाव से लोग जुड़े हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। मैं पुनः इनका स्वागत करता हूं और 29 तारीख को नई दिल्ली में जो रैली हो रही है, आक्रोश रैली, उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ कर पूरे देश की जनता की आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर वहाँ से ललकारेंगे, केंद्र की सरकार को चुनौती देंगे। और मैं समझता हूँ कि 29 अप्रैल से बीजेपी का जो पतन है वो और गति पकड़ेगा और 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस की विचारधारा में राहुल जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और निस्वार्थ भाव से बिना शर्त के कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस ही 36 कौमों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चल सकती है। धर्म राजनीति से परे हटकर हम लोग समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, इस बात को जनता समझ चुकी है। देखिए, भारत सरकार ने पक्षपात किया है, ये बात पहली बार नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश में जो भेदभाव हुआ है, तमिलनाडु के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, और आज केंद्र सरकार के ही लोग अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनकी नीयत को प्रदर्शित करता है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। देश एक है, राष्ट्र एक है, हम सब बराबर के नागरिक हैं। जरूरत इस बात की सरकार ध्यान देकर गरीब किसानों की मदद करे। राजस्थान, मध्य प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और इस प्रकार के तथ्य अगर भारत सरकार दे रही है तो आत्मचिंतन करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी। देखो, कांग्रेस मानसिकता के कार्यकर्ता रहे शुरू से। शुरू में SMS मेडिकल कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष थे, बाद में NSUI में आए, बाद में यूथ कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस में आए। 1993 में कांग्रेस की टिकट मिली, उस समय से ही कांग्रेस ही विचारधारा के रहे हैं शुरू से, छात्र जीवन से ही। बीच में कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की हुई, कार्यकर्ताओं के दबाव में 2003 में चुनाव लड़ना पड़ा और आज खुशी है कि घर वापसी हुई है। और घर वापसी पे मेरे ख्याल में कितनी खुशी होती है, इसका शब्दों में बयान नहीं किया इसका। कोई शर्त रखी विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात या कोई पक्ष कोई? प्यार शर्तों पे नहीं होता, इसमें कोई शर्त नहीं है। शर्त एक ही है, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी उसको वापस से स्थापित करने में हमारे नेता सचिन जी पायलट और हमारे नेता राहुल जी गांधी के जो भी दिशा निर्देश होंगे उन निर्देशों की अक्षर से पालना करते हुए, और जो कांग्रेस का मूलभूत वोट बैंक रहा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धर्मनिरपेक्ष ताकतें, इन सबको एक करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, यही एक हमारी शर्त। अब कांग्रेस के साथ
बीच की परिस्थितियाँ अलग रही कि कार्यकर्ताओं के दबाव में जाना पड़ गया या किसी वजह से चले गए या उम्र कम थी या और थी जो भी था उस वजह से, लेकिन आप आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहे। कटवाने के लिए नहीं, मैंने कहा उसमें यह देखना कि कोई फर्जी मतदाता है क्या, जो सही मायने में मतदाता है उसको मताधिकार का उपयोग करना चाहिए और उसको मताधिकार का अधिकार, मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, वो सही हमारा विरोधी हो। लेकिन चूंकि उस तरफ भी मैं कुछ दिन रहा हूँ, वहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपको BLO को प्रोत्साहन दे के BLO को अपने पक्ष में करके, और एक एक बूथ पे कम से कम 20-30-50 मतदाता तो इस तरह से जुड़वा हो, या एक मतदाता ऐसा लगे कि वो निश्चित रूप से विरोधी पार्टी को वोट देगा तो उसका वोट दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दो। जैसे आप एक पढ़ी लिखी कैटेगरी में हैं, आप एक बूथ पे गए वोट डालने, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप दफ्तर भी जाते हैं, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, आपकी व्यापार की जिम्मेदारियां भी हैं, आप अपने पुराने बूथ पे वोट डालने गए, वहाँ आपका वोट नहीं मिला तो आप दूसरे बूथ पे अपना नाम नहीं ढूंढेंगे, आप बिना वोट डाले चले जाएंगे, तो वो भी एक सामने वाली पार्टी को नुकसान हुआ और वो भी एक षड्यंत्र करने वाली पार्टी को फायदा हुआ। तो इस तरह से रेड ग्रीन एंड येलो इसमें बांटने का मैंने बोला है बूथ पे, हर वोट को, हर घर को।